तो बहुत बड़ी फेरिस गिराई। और एक मुद्दा बहुत अच्छा लगा, मतलब कम से कम मैं जिस पर बात करना बहुत पसंद करता हूँ, जब महिलाएं महिला सुरक्षा पर बात करती हैं, उन्होंने एक पूरी लिस्ट गिना दी है कि इतने लोग तो महिला सुरक्षा महिला अपराधों से जुड़े रहे हैं, फिर क्यों पार्टी ने इतना प्रमोट किया, इतना वोट दिया। हाँ, आप बोलना चाह रहे हैं। जो प्रदेश मासूम बच्चियों के बलात्कार में लगातार नंबर वन पोजीशन पर बना रहा, एनसीआरबी के आंकड़े, जो केंद्र सरकार द्वारा संचालित जो एनसीआरबी के आंकड़े ने मध्य प्रदेश को कलंकित और शर्मसार किया, आप जानकर हैरान हो जाएंगे उत्कर्ष जी। और सम्मानित दर्शकों के जानकारी के लिए बता दूं, 18 वर्ष में 13 लाख बच्चियां गायब हैं इस मध्य प्रदेश से, 18 वर्ष में 13 लाख, लास्ट 3.5 सालों के अंदर ही 2 लाख से ज्यादा बच्चियां गायब हैं, खास तौर से दलित आदिवासी बच्चियां, वो भी माइनर्स। तो जिस प्रदेश में हर दिन 28 बलात्कार रोज हो रहे हों, 28 बलात्कार रोज हो रहे हों, 13 लाख बच्चियां गायब हों, उस प्रदेश का मुखिया यदि अपने आप को मामा कहता है, सुन लीजिए, उस प्रदेश का मुखिया यदि अपने आप को मामा कहता है और महिला हितैषी कहता है, और उसके वक्ता प्रवक्ता जब महिलाओं के अस्मिता पर बात करते हैं, तो वो कहीं से कहीं तक जो है वो बात हजम नहीं होती। जब महिलाओं की सुरक्षा तब होती जब महिलाओं को उनका सम्मान मिलता और सुरक्षा की गारंटी मिलती। हमारी महिलाओं को चाहिए क्या? सबसे ज्यादा जो सुरक्षा की अधिकारी होती है वो हमारी माताएं बहनें होती हैं। कन्या पूजन करने मात्र से नहीं होता है, कन्या को यदि पूजना है तो वो अंतिम छोर पर बैठी हुई मंडला या दिनोरी आदिवासी जिलों की वो हमारी माताएं बहनें, जिनका शारीरिक शोषण करने के लिए जिनको अंग तस्करी मानव तस्करी के कारण जो 13 लाख बच्चियां गायब हैं उनको घर लेके आते तब मानते हैं। अजीब सवाल है, 13 लाख बच्चियां गायब हैं, रिकॉर्ड सरकारी हैं, क्या व्यवस्था उसके लिए? देखिए, ऑपरेशन मुस्कान में जिस तरीके से निरंतर बच्चियों को वापस लाया गया है, ये अगर संभव हुआ तो भारतीय जनता पार्टी की शिवराज जी की सरकार में हुआ। खुद शोभा ओझा जी ने उनकी सरकार के ऊपर जो 15 महीने की रही थप्पड़ मारने का काम किया, जब 18-19 के आंकड़े प्रस्तुत किए भूल गई, उन्हें लगा कि ये शिवराज जी के समय के आंकड़े हैं, भूल गई कि कमलनाथ थे उस समय मुख्यमंत्री, जिस प्रकार से आंकड़े सामने ला रही थी। मुझे तो शर्म तब आई जब वही शोभा ओझा महिला आयोग की अध्यक्ष थी, अभी दलित बहनों की बात कर रहे थे ना, एक दलित महिला को ही आइटम कहकर राक्षसी हंसी थी कमलनाथ जी ने, और ये वही कमलनाथ हैं, रेप की भी बात हो रही थी, ये वही कमलनाथ हैं जिसने 84 के दंगे में गुरुद्वारा साहिब रकाबगंज के बाहर खड़े होके लोगों के गले में टायर डलवाए, उनको जलवाया, उनकी बहु बेटियों की आबरू लुटवाई, और जिस प्रकार से जघन्य नरसंहार सिखों के परिवार में हुआ, ये कमलनाथ जी उसके सबसे बड़े दोषी हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि जब जीतू पटवारी कहते हैं कि महिला 500-500 रुपए लेकर बिक जाती हैं, तो यहाँ पर खड़े हुए कांग्रेस के प्रवक्ता उससे सहमत हैं क्या? उसी जीतू पटवारी को आप टिकट दे देते हैं, बार बार सम्मान करते हैं। अभी कह रहे थे बच्चियों की बात, तो जब सज्जन सिंह वर्मा कहते हैं महिला जो है बच्चा पैदा करने की मशीन है, बाहर का रास्ता दिखाया क्या, सम्मानित किया, और खुद कांग्रेस कार्यालय के अंदर जिस प्रकार से सज्जन सिंह वर्मा ने एक महिला के साथ अभद्रता की थी, यहाँ पर ऑन रिकॉर्ड है, चाहेंगे तो मैं उसको कैमरे पर दिखाऊंगी अभी। तो कांग्रेस पार्टी जब जब महिला का नाम लेती है केवल स्वार्थ के लिए, केवल वोटों की राजनीति के लिए, यहाँ तो केवल 2 और 3 महिलाएं माननीय है, सम्मानीय है, परम पूजनीय है, वो नेहरू गांधी परिवार की बहु बेटियां। ठीक है, अब बताइए क्या जवाब है? जिस परिवार, जिस पार्टी का सर्वोच्च नेता जो इस देश के प्रधानमंत्री भी है, जब वो विपक्ष की सम्मानित नेत्री को जर्सी गाय और एक मंत्री, एक सांसद की पत्नी को 100 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोलकर संसद में अपमानित करते हैं, उन लोगों से हमें जो है राजनीतिक भाषा की शुचिता का ज्ञान लेने की शायद आवश्यकता नहीं है। कांग्रेस की विधवा भी बोलते हैं ये लोग, तब इनको शर्म नहीं आती। और इन्हीं के गृह मंत्री अपनी ही सांसद के लिए बोलते हैं कि हमने हेमा मालिनी को भी नचवा दिया, तो ये दोहरा चरित्र ना दिखाएं कि हम महिलाओं के कितना हितैषी हैं ये। और मैं एक वीडियो में आपको यहाँ दिखाना चाहती हूँ, यहाँ पर जानकारी बता दें। हाँ। जानकारी है कि पन्ना का इन्हीं के भाजपाई नेता अपनी ही सगी 16 साल की बेटी का उसने रेप किया, और ये मेरे पास वीडियो है प्रूफ के सहित, ये न्यूज है, तो इसके लिए क्या बोलना चाहेंगे? और कैलाश विजयवर्गीय जो इनके हैं, वो बेटियों को शूपनका बोलते हैं, जो महिला आधुनिक कपड़े पहनते हैं उनको वो शूपनका बोलते हैं। और इस कैलाश विजयवर्गीय जो हैं, उनके ऊपर कोलकाता में बलात्कार के कितने प्रकरण दर्ज हैं, तो ये जाकर पता करें कि कितने प्रकरण उनके ऊपर दर्ज हैं। और फहरिस्त इनके तो सारे नेता, एक भी ऐसा नहीं होगा जो भ्रष्टाचार में लिप्त ना हो, इनकी जो 230 की पूरी लिस्ट है उसमें, और उसमें से आधे से ज्यादा बलात्कार और भ्रष्टाचार में लिप्त है। ठीक है, आप भी कुछ जोड़ना चाह रहे हैं?
मैं जैसा आदरणीय हमारी भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता जी ने जो सवाल खड़े किए थे वो हमारे दोनों प्रवक्ताओं ने उसका जवाब दिया। ये तो हो गई बयानों के ऊपर बात, लेकिन असल मुद्दे में जो हमारा मध्य प्रदेश का जो चुनाव हो रहा है केवल बयानों के आधार पर जनता वोट नहीं देगी, जनता जो जनहितैषी मुद्दे हैं उनकी 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 भी यहाँ पर बात होनी चाहिए। मैं नया बग्गा जी से पूछना चाहता हूँ कि कोरोना काल में जब कर्फ्यू लगा था तो कर्फ्यू में कौन सा स्कूल चालू था? मिड डे मील में 26% बच्चे जो स्कूलों में उपस्थित रहते हैं वो 96% बच्चों की अटेंडेंस दिखाकर 12,000 करोड़ का घोटाला मिड डे मील में कर दिया। पोषण आहार में इन्होंने घोटाला कर दिया। आप ये बताइए 2300 मैट्रिक टन से भी ज्यादा जो पोषण आहार था उनको बताया कि ट्रकों से माल सप्लाई हो गया, लेकिन जब नंबर चेक किए तो कहीं ऑटो का नंबर आता है, कहीं मोटरसाइकिल का नंबर आता है। भ्रष्टाचार में मध्य प्रदेश नंबर वन है, 50% कमीशन की ये सरकार है। आप बयानों के आधार पर, धर्म के आधार पर मुद्दों से भटकाने का काम मत कीजिए। आप ये बताइए कि 18 साल की सरकार में शिवराज सिंह जी ने क्या किया और 15 माह की सरकार में कमलनाथ जी ने क्या किया, ये हम बताएंगे। आप उनसे जवाब लीजिए, उनका जवाब हम देंगे। मैं वही बोल रहा हूँ, ये बड़ा अच्छा है कि बात मुद्दों पर होनी चाहिए। अब अगर बात भ्रष्टाचार की है, बात अगर कोरोना काल की है, सरकारों ने क्या किया और जवाबदेही जो बनती है उस पर क्या जवाब रहा? देखिए, जो इनके सबसे बड़े विजनरी नेता हैं कमलनाथ जी, मैं आपको बताऊं कि मध्य प्रदेश छोड़कर देश में विदेश में अनेकों संपत्तियां, अनेकों बिजनेस पर मध्य प्रदेश के लिए उनको कुछ नहीं मिला। और एक लंबी फहरिस्त है, आप देखिए कि यहाँ पर बकुल होर्डिंग्स, नकुल सिक्योरिटी, ईएमसी प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड, इंटरनेशनल मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, स्पन एयर लिमिटेड, सेंचुरी ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड, शाखा प्रॉपर्टी प्राइवेट लिमिटेड और इंटरनेशनल जो इनका मैनेजमेंट का कॉलेज है वहां तक कमलनाथ जी को एक भी संस्था जो है मध्य प्रदेश में खोलने लायक कभी नहीं दिखी 45 साल के अपने राजनीतिक जीवन में। यह स्पष्ट दिखाता है कि ये कितने विजनरी हैं और इनके मन में कितनी खोट है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, मैंने आपसे कहा कि यहां पर जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, सीएम हाईरा स्कूल की बात हो, या फिर मेडिकल कॉलेजेस की बात हो, या प्रत्येक जिले में जिस तरीके से जिला थाने खोले गए हैं महिलाओं के लिए अलग से, या फिर आप डायल 100 की सुविधा देखिए, कांग्रेस के शासन में एक चीज जरूर होती है कि अगर महिला पर अत्याचार हो रहा तो सबसे पहले FIR लिखनी बंद कर देते हैं। खुद चंदवाड़ा का मामला है, जब कमलनाथ मुख्यमंत्री बनकर आए थे उनके ही एरिया में, वहां पर जब एक आदिवासी महिला के साथ रेप हुआ, उस बच्ची की हत्या हो गई, उसके परिवार वाले दर दर भटकते रहे, न्यूज में पर्याप्त तौर पर आपको दिखेगा हर जगह पर कमलनाथ जी की सरकार ने उसकी FIR लॉन्च नहीं की। मेरा मूल प्रश्न ये है कि वो कमलनाथ जो इस प्रदेश को कलंकित करके गए, करप्टनाथ बनाकर गए, आते ही इस प्रदेश का पहला ऐसा मुख्यमंत्री रहा जिसने 281 करोड़ रुपए का घोटाला 3 महीने के अंदर किया और हद तो वहां पर हो गई। ट्रांसफर उद्योग किस हद तक चलाए कि केवल अधिकारी कर्मचारियों के ट्रांसफर नहीं हो रहे थे, सुबह एक इंदौर में है, दिन होते होते उज्जैन ट्रांसफर हो जाता था, रात होते होते वो मंडला पहुंच जाता था। कुत्तों को भी नहीं छोड़ा, कुत्तों का भी ट्रांसफर कर दिया, यानी कि जो डॉग स्क्वाड्स हैं उनको भी ले गए कमलनाथ भ्रष्टाचार की भेंट में। ये वही कमलनाथ है जो जाते जाते सरकार जब जा रही थी 15 मिनट पहले तक मोबाइल का घोटाला करके गए। ये वही कमलनाथ है जिन्होंने कृषि यंत्र घोटाला किया। ये वही कमलनाथ है जो चाइना के साथ गलबैया करते रहे। ये वही कमलनाथ है जिन्होंने यहाँ पर कृषि कर्ज माफी के नाम पर घोटाला किया। और मैं आपसे कहूं कि शिवराज जी की सरकार ने जो अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ व्यक्ति है, जिसको संबल योजना से जोड़ा, जो गर्भवती माँ होती थी उसको लड्डू का पैसा देते थे, आज भी दे रहे हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।